आज हम इंडियन पॉलिटी में देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें सबसे पहले क्या होता एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ फेडरेशन में क्या होता है हमारे पास एक सेंट्रल यूनिट रहती है और जो इंटरनल स्टेट होते हैं उनके पास अपनी अपनी पावर रहती है लेकिन सेंटर में एक गवर्नमेंट रहती है इसमें क्या हुआ जो प्रोविनेस थे और जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें एज अ यूनिट माना गया प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो कि अभी भी राजा महाराजाओं के अंदर थे और जो आ, प्रोविनेंस थे वो मतलब कि ब्रिटिशर्स के अंडर में थे इसमें आगे क्या हुआ एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट तो पावर को डिवाइड करने के लिए थ्री लिस्ट बनाई गई वो कौन कौन सी थी फेडरल लिस्ट प्रोविनेशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट फेडरल लिस्ट में वो सब्जेक्ट थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे प्रोवेंशियल लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स है जो प्रोविनेंस के अंदर आएंगे या फिर प्रिंसली स्टेट के अंडर आएंगे और कंकरेंट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे जो दोनों देख सकते हैं जिन पे दोनों का हक रहेगा सेंटर का भी और जो ये यूनिट्स हैं मतलब कि प्रोविनेस और प्रिंसली स्टेट्स एंड जो रेसीडरी पावर्स वर गिविंग टू द वाईसर जो बाकी की जो रेसिडरी पावर्स बची थी वो किसके अंडर रहेंगी वाई के अंदर रहेगी हाउ इट नेवर केम टू केम इन टू बींग एज प्रिंसली स्टेट्स डेड नॉट जॉइन इट लेकिन इसमें क्या हुआ जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इसको ऑल इंडिया फेडरेशन को जॉइन करने से मना कर दिया था नेक्स्ट इसमें क्या हुआ एबोलिश्ड डाई आर के इन प्रोविनेंस प्रोविशियल ऑटोनोमी वॉज इंट्रोड्यूस जो डाई आर के हमने देखा था ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट आए थे प्रोविनेसिस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी उनमें उन्हें एबोलिश कर दिया गया इसके बाद क्या हुआ उनमें प्रोविंशियल ऑटोनोमी इंट्रोड्यूस किया गया मतलब कि अब वो ख़ुद से ही जो वहाँ की लेजिस्टिव असम्बली थी वहाँ पर रूल बना सकती थी दिस केम इन टू अफेक्ट इन नाइनटीन थर्टी सेवन बट डिसकन्टीन्यूड इन नाइनटीन थर्टी नाइन इसे नाइनटीन थर्टी सेवन में इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन कुछ रीजन्स के कारण जो है इसे नाइनटीन थर्टी नाइन में विद्रॉ कर लिया गया इसके बाद प्रोविशियल लेजिस्लेचर वर मेड बाय कैमरेल फ़र्स्ट टाइम इन सिक्स प्रोविनेंसेस बंगाल मद्रास बॉम्बे यूपी बिहार एंड असम इसके बाद क्या हुआ कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक बाय कैमरियल सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट में गवर्नमेंट को डिवाइड कर देते हैं ऐसे ही यहाँ पे अब जो प्रोविंशियल लेवल मतलब कि लोकल लेवल पे स्टेट के अंदर ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया फ़र्स्ट टाइम ये सिक्स स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था वो है बंगाल मद्रास बॉम्बे यूपी बिहार एंड असम इसके बाद क्या हुआ कि जो डाय आर् थी वो वॉज इंट्रोड्यूज इन सेंटर मतलब कि वो प्रोविनेस से मतलब स्टेट लेवल से तो उसे एबोलिश कर दिया गया पर सेंटर लेवल में अब डाईआर की को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसके बाद जो कम्यूनल इलेक्ट्रोलेट्स था उन्हें और बढ़ावा मिला जैसे कि सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स फॉर सीड्यूल्ड कास्ट वुमेन एंड लेबर मतलब इन तीनों नई कैटेगो इन तीनों के लिए भी अब नई अलग से कैटेगरी बनाई गई एंड आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश आर बी और फेडरल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट के द्वारा जो लास्ट एक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर आया था वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इसमें क्या हुआ था कि फेब्री ट्वेंटी नाइनटीन को जो ब्रिटिश के पी थे उस टाइम के क्लेमेंट एटली उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाएगा कब तक जून थर्टी तक इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाएगा एंड द पावर वुड ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स और जो पावर है उसको इंडियन रिस्पॉन्सिबल हैंड्स के हाथों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसके बाद क्या हुआ अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एगिएशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो शुरू से डिमांड कर रही थी कि उन्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए फिर जून थ्री नाइनटीन फोर्टी सेवन में ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन नाइनटीन फोटी सिक्स विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट मतलब कि जून थ्री नाइनटीन फोर्टी सेवन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ने ये अनाउंस किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उन पर लागू नहीं होगा जो इसमें जो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जैसे कि कुछ आ, प्रिंसली स्टेट थे या फिर जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंट द वायसराय ऑफ इंडिया जो उसी दिन मतलब कि जून थ्री नाइनटीन फोर्टी सेवन को जो लॉर्ड माउंट थे उन्होंने क्या करा है पार्टीशन का प्लान लेके आए है इंडिया और पाकिस्तान के नेशन के बीच में इसलिए इस एक्ट को माउंट बेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद जो माउंट प्लान था उसे कांग्रेस आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और जो मुस्लिम लीग थी दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया इमिडिएट इफेक्ट वॉज गिवेन टू द प्लान बाय इनएक्टिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इसी पार्टीशन के साथ जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ इसके कुछ फीचर्स थे वो क्या थे कि एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब जो ब्रिटिश रूल था उसे कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा टू डोमेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन फॉर्म हुए एबोलिश्ड वाइस एंड सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया जो पोस्ट होती थी वायसराय की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया दोनों की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया